श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम मैं कह सकता हूं। इन लोगों ने जिस बीज को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वटवृक्ष बना दिया है। नेता निर्वाचित हवार पर नरेंद्र मोदी भाषणे फिरे एलो अटल बिहारी वाजपेयी, बाला साहेब ठाकरेर कथा। भाषणे बार बार फिरे एलो एनडीएर कथा। नरेंद्र मोदी एनडीए नेता निर्वाचित हवार मध्य चमक किछुई नेই, किन्तु चमक छिलो बाकी सबकिछुতেই। যে ভবন ছেড়ে এসেছিলেন সেই পুরনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলকেই বেছে নিয়েছিলেন অনুষ্ঠানের জন্য। নেতা নির্বাচিত হওয়ার পুরো অনুষ্ঠানই সরাসরি সম্প্রচার করা হলো টেলিভিশনে, যা সাধারণত হয় না। नरेंद्र मोदी एनडीए नेता प्रस्ताव करलें अमित शाह नन, राजनाथ सिंह। साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। गत 5 बछरे जा अभावनीय छिलो, शेष 5 बछरे एनडीए बैठक हुए मात्र एक बार। इंडियार आविर्भावेर दिन सेई बैठक करा हुएछिलो, तार आगे बा परे कोनो बैठक हयनि। किन्तु तृतीयबार यात्रार प्रारम्भे नरेंद्र मोदीर मुखे एनडीएरই जयगान। एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए ये सामान्य घटना नहीं है जी। मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। বিরোধীরা বারবারই বলছেন বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, এই মোদি অনেক দুর্বল। মঞ্চ থেকে জবাব দিলেন মোদি, কটাক্ষ করলেন 15 বছরের কংগ্রেস যত আসন পেয়েছে এইবার বিজেপি তার থেকেও বেশি আসন পেয়েছে। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। शुरूते सबकिछुई मसृण, अंतत सामने। राजनैतिक विश्लेषकरा बोलছেন गत 10 বছরে গুরুত্ব পায়নি শরিক দলের নেতারা। এবার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন যে তাদের গুরুত্ব দিতেই হবে, যে গুরুত্ব সোজা পথে না এলে বাঁকা পথেও তা আদায় করে নেওয়ার চাবিকাঠি শরিকদের হাতেই। নিউজ টাইম।